दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग वे में। दोस्तों NBT न्यूज़ की ओर से बहुत ही बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। आप लोगों का जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जो है वो कब तक जारी किया जाएगा, बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज़। और आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि आप लोगों का जो है रिजल्ट कब से जारी कर दिया जाएगा। और दोस्तों आप लोगों का रिजल्ट बहुत दिनों से पेंडिंग में था, बहुत दिनों से, क्योंकि दोस्तों 27 और 28 जनवरी को ही आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था और ये जून का महीना भी एंड होने लगा है। ठीक है, तो आप लोगों का ऐसे में रिजल्ट कब तक आएगा ये आप लोगों को बताया गया है आपके अधिकारियों द्वारा। जी हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के अधिकारियों द्वारा ये बताया गया है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, वीडियो को कहीं मत स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को कोई भी अपडेट आती है तो हमारे चैनल के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड कर दी जाती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, और आपको बताएंगे कि आप लोगों का रिजल्ट जो है वो कब तक पब्लिश किया जाएगा, बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज़ है। तो चलिए पूरी अपडेट देखते हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि 27 और 28 जनवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के 49,568 रिक्त पदों को भरने के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था और इस परीक्षा का आंसर की फरवरी की शुरुआत में ही जारी कर दी गई थी। और इस परीक्षा का परिणाम आवेदक उत्तर प्रदेश पुलिस और पदोन्नति बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट जो है इस पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और आगे आप लोगों को बताया गया है कि फिलहाल यूपी भर्ती बोर्ड ने यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट घोषित होने की किसी ऑफिशियल तारीख की घोषणा नहीं की है। तो दोस्तों जब आपके NBT न्यूज़ के संवाददाता ने बात किया आपके यूपी पुलिस के अधिकारियों से, तो उन्होंने बताया कि इसकी जो है कोई भी ऑफिशियल डेट जो है वो अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन 12 मार्च को इस परीक्षा की संशोधित आंसर की जारी हो गई थी। उन्होंने बताया कि 12 तारीख को इसका संशोधित आंसर की जारी हो गया है, जिसके कारण आप लोगों का इस हफ्ते या तो अगले महीने कभी भी आप लोगों का रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है, और उन्होंने और भी बहुत ही ज़्यादा अहम जानकारी दी है कि आपको बता दें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में सफल होने वाले आवेदकों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और अंत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी। और बोर्ड ने 4 और 7 से परीक्षा की आंसर की जारी की थी और 7 फरवरी तक में आपत्ति मांगी थी और आपत्ति मिलने के बाद बोर्ड ने 12 फरवरी को संशोधित आंसर की जारी की थी। तो दोस्तों ये पूरी अपडेट आप लोगों को बताई गई है कि आप लोगों का इस हफ्ते और या नहीं तो फिर अगले महीने कभी भी आपका रिजल्ट जो है वो आ सकता है, क्योंकि बहुत ही दिन से पेंडिंग है। जून में ही आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था और अभी दोस्तों जनवरी में ही आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था और ये अभी जून चलने लगा है, इसलिए आप लोगों का जल्द से जल्द रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।